नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला छावनी की अधिकतर सड़कों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने अम्बाला छावनी की जनता से अपील करते हुए कहा कि टूटी और गड्ढों वाली सड़कों के कारण हर रोज कहीं न कहीं दुर्घटनाएं हो रही है। प्रशासन का रवैया ऐसा है कि एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरा कार्य शुरू कर दिया जाता है। प्रशासन के गलत रवैये और योजना के बिना किए गए कार्यों के कारण हलके में आगे दौड़ पीछे छोड़ की व्यवस्था हो रही है। इसलिए हलके की जनता सड़कों के गड्ढों को अपने साथियों के प्रयासों से ही मिलजुल कर भर लेना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं से तो बचा जा सके। भले ही सड़कें कच्ची मिट्टी वाली या अस्थाई ही क्यों न हो, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ हो रही है। कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि कौन सी सड़क तारकोल की बनेगी, कंक्रीट की बनेगी या टाइल की बनेगी। क्या पैमाना है सड़क की बनावट को लेकर, यह शायद स्वयं अधिकारियों को भी नहीं पता। कौन निर्धारित करता है कि कौन सी सड़क तारकोल की बनेगी, सीमेंट की बनेगी या टाइल की बनेगी। ऐसे ही बुरी हालत बनारसी दास मिल के पीछे मुख्य मार्ग की है। यहाँ इनेलो के कार्यकर्ताओं ने जनता के दुख और तकलीफ को देखते हुए मुख्य मार्ग पर स्वेच्छा से सेवा करके मुख्य मार्ग को चलने लायक बनाया, ताकि जनता को परेशानी से बचाया जा सके। इस अवसर पर प्राणनाथ वैद, अशोक धवन, धवनप्रीत सिंह, रमेश यादव, करण मल्होत्रा, रामधन यादव, अशोक कुमार, तरुण विज और अन्य ने कार्य में सहयोग किया। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मुख्य मार्ग प्रशासन की नाकामियों के कारण यहाँ हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। कहाँ है प्रशासन और कहाँ है हजारों करोड़ का विकास? अम्बाला छावनी की जनता जानना चाहती है, ये हजारों करोड़ रुपए कहाँ लगे, कितना घोटाला हुआ? जिस किसी ने भी किया उसको जेल में जाना जरूरी है। एक पुलिया के करके हजारों लोग निकलते हैं और जनता परेशान है। आज कितने दिन हो गए इस पुलिया के करके आवाजाही अवरुद्ध है। अब हमने इसको कोशिश करके साथ में प्रशासन के मुंह पे एक चपेट आए, ये काम प्रशासन क्यों नहीं करता, किसकी जिम्मेवारी है, कौन है यहाँ का विधायक, उसको भी तो सोचना चाहिए जनता कैसे बच रही है। बाकी फैसला जनता का। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।